गर्भ संवाद रथ यात्रा। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, चारों धाम में पूरी तेरा धाम। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, पतित पावन हे जगन्नाथ। माँ, आज ये आप मुझे कहाँ ले आए? कितनी भीड़ है। हाँ बेटा, इतनी भीड़ है ना, इसीलिए हम उनसे थोड़ा दूर खड़े हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान भीड़ में जाना उचित नहीं है। देखो बेटा, अभी थोड़ी ही देर में हमें भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई श्री बलराम और बहन सुभद्रा जी के रथ के दर्शन होंगे। वो क्या होता है माँ? बेटा, आज आषाढ़ी बीज है और आज ही के दिन हम भगवान को रथ में बिठाकर यात्रा करके मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं माँ? मैं भी ना तुम्हें आधी अधूरी ही कहानी सुना रही हूँ। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तृत से बताती हूँ। बेटा, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जब उनके मामा कंस के साथ युद्ध करने के लिए गोकुल से मथुरा जा रहे थे तब, और जब कंस का वध करके वापस आए तब, उनकी विजय यात्रा के रूप में हजारों भक्तों द्वारा रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, अब मैं समझी। पर माँ, ये रथ में जो मूर्तियाँ हैं वो कुछ अलग क्यों लग रही हैं? बेटा, जब मैं छोटी थी तब मैंने मेरी दादी माँ से जाना था इसके बारे में। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों द्वार पे एक साथ खड़े थे, और तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप तीनों हमेशा हमें ऐसे ही एक साथ दर्शन देने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को वरदान दिया कि कलयुग में सारे भक्तों को हमारे दर्शन काष्ठ की मूर्ति के रूप में होंगे। और बेटा, जब श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया तब उनके भाई बलराम जी उनको लेके समुद्र की ओर दौड़े, तभी सुभद्रा जी भी उनके साथ दौड़ी और समुद्र ने उन तीनों को अपने अंदर समा लिया। ओ, फिर क्या हुआ माँ? फिर उसी दौरान जनकपुर के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान की अस्थियां तुम्हें समंदर के किनारे मिलेगी। फिर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की तीन काष्ठ की मूर्तियां बनाकर ये अस्थियों को कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे कमर के हिस्से में प्रस्थापित करें। उस स्वप्न के बाद वो समंदर किनारे गए और उनको अस्थियां प्राप्त हुई। उसके बाद उनको फिर एक विचार आया कि इतनी पवित्र मूर्तियां कौन सी काष्ठ से बनवाऊं। उसी रात वापस उनको स्वप्न आया जिनमें भगवान ने कहा कि जिस वृक्ष में मेरे दर्शन हो उसी से ये मूर्तियों का निर्माण करना। ऐसी पवित्र और अद्भुत मूर्तियों का आविष्कार करने के लिए स्वयं विश्वकर्मा जी आए, लेकिन
उनकी कुछ शर्तें थी। कैसी शर्तें मम्मा? कि वे अकेले ही मूर्ति बनाएंगे और जब तक वे पूरी ना हो जाएं, तब तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी शर्तों का स्वीकार किया, लेकिन काफी समय हो गया था और विश्वकर्मा जी बाहर ही नहीं आए, और तब राजा का धैर्य न रहा और वे अंदर चले गए। ओह, फिर क्या विश्वकर्मा जी गुस्सा हुए? नहीं नहीं बेटा, विश्वकर्मा भगवान गायब ही हो गए और तीनों मूर्तियां अधूरी ही रह गई, और उसके बाद कोई भी दूसरे मूर्तिकार ने इन मूर्तियों को पूरा करने के लिए मना ही कर दिया। क्यों मम्मा? क्योंकि विश्वकर्मा जी भगवान है और उनका अधूरा कार्य पूरा करने की हिम्मत और कौशल्य किसी में भी नहीं था, और इसके परिणाम स्वरूप इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में आज ही के दिन स्थापित किया गया। बेटा, हर 12 साल के बाद नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान की अस्थियां नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। पुरानी मूर्तियों का अग्नि संस्कार होता है, भक्त मुंडन करवाते हैं और शोक भी मनाते हैं। आषाढ़ी बीज के 15 दिनों पहले नई मूर्तियों को इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान कराते हैं, और आज के दिन उन मूर्तियों की रथ यात्रा निकालते हैं और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों की स्थापना नई मूर्ति में करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसी मान्यता से अब कई सालों से ये विधि कोई नहीं करता है। अरे, कितनी सारी बातें इस रथ यात्रा से जुड़ी थी माँ। ये सब जानने के बाद इस रथ यात्रा के दर्शन का ज्यादा मजा आ रहा है माँ। हाँ बेटा, हर एक पर्व की अपनी अपनी विशेषता होती है, और उनको जानने और समझने के बाद ही हम उन त्योहार और पर्वों का दिल से आनंद ले सकते हैं। हाँ माँ। अरे हाँ, और एक बात, द्राविड़ भाषा में मंदिर को गुड़िया घर और रथ यात्रा को बाहुड़ कहते हैं। बेटा, ये सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, लेकिन साक्षात जीवित मूर्तियां हैं, जिनका अनुभव कई लोगों को भी हुआ है, और यही एकमात्र मूर्तियां हैं जिनका अग्नि संस्कार होता है। ओह, ये बात तो सच में बहुत ही चमत्कार वाली है माँ। हाँ बेटा, भगवान की लीला अपरंपार है। चलो गाओ मेरे संग। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हरे हरे कृष्णा।